और योगी सरकार उधर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा कर रही है, लेकिन सरकार के दावे फेल होते दिख रहे हैं। योगी राज में भी रिश्वतखोरी का खेल बदस्तूर जारी है। पुलिस विभाग के कुछ भ्रष्ट लोग अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पीलीभीत में खाकी को दागदार करती तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक दारोगा साहब का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दारोगा साहब 2000 के 4 नोट जेब में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि आरोपी दारोगा का नाम हरपाल सिंह है, वो बरखेड़ा थाने में तैनात है। बताया गया है कि थाना क्षेत्र के गांव पिपरा खास में एक झोपड़ी हटवाना था और इसके लिए एक दलाल ने दारोगा से बात की और 10,000 रुपये में सौदेबाजी तय हुई। दारोगा हरपाल ने दलाल को बताया कि उसकी बात थाना अध्यक्ष से हो गई है और 10,000 रुपये का खर्च आएगा। दलाल तय पैसे लेकर दारोगा हरपाल से मिलने गया और 2,000 के 4 नोट दारोगा को रिश्वत के तौर पर दिए। वीडियो में दारोगा साहब रुपये अपनी जेब में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दारोगा 2,000 रुपये और देने को कहता है।